बर्फ मेरे हाइट की है लगभग। ये देखो भाई, ये देखो मतलब सर ज्यादा खूबसूरत नजारा पहलगाम का। गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का पहले व्लॉग में, मैं हूं सीजन मुख्तार। तो जैसा कि आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा था कि हम पहलगाम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास रियल व्हील ड्राइव गाड़ी थी और सड़क पे बहुत ज़्यादा स्नो थी, गाड़ी स्लिप कर रही थी, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। लेकिन इस बार ही हम फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी लाए हैं और मेरे साथ अभी अजहर हैं, तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचेंगे। कोशिश करेंगे कि पहलगाम तक पहुँचे और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। वहाँ 2-3 फुट बर्फ पड़ी है, तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा देखने में भी और थोड़े बहुत वीडियोस उठाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ, तो बने रहिए। तो भाई देखो रोड कितना साफ हो गया, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि कितनी ज़्यादा बर्फ थी और कितनी मुश्किल हो रही थी गाड़ी चलाने में, लेकिन आज रोड साफ है। आज मुझे लगता है कि हम पहलगाम जाके ही रहेंगे। यहाँ से मतलब रोड भी साफ़ है, चल ज़्यादा कोई नहीं रहा, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है यहाँ से, तो हमने सोचा यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टेक लेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा आगे, और आगे भी दिखाएंगे आपको। अभी हम पहलगाम जाने के लिए तैयार। तो भाई हम पहुँच गए हैं पहलगाम के नज़दीक, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम है। स्नो देखो आप भाई कितनी ज़्यादा है और यहाँ से ब्लैक आइस फिर से स्टार्ट होती है, यहाँ से फिर से गाड़ी स्लिप करना शुरू कर देगी, तो जैसे कर रही है अभी स्लिप गाड़ी बहुत ज़्यादा। अभी स्नो भी बहुत ज़्यादा है और पहलगाम पहुँचने तक तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्लैक आइस का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ से पहलगाम है 7 किलोमीटर दूर, हम पहुँच रहे हैं पहलगाम के नज़दीक। मतलब लगता नहीं था कि हम पहलगाम पहुँच भी पाएंगे, लेकिन भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉग है, क्लाउड्स हैं और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी लंगनवल क्रॉसिंग के पास हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे छोड़ेंगे कि नहीं, ज़्यादातर तो जाने नहीं देते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत हो जाता है वहाँ जाने का। तो भाई ये सीनरी जो है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, ये पेड़ मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कैमरा में तो उतना ज़्यादा लगता नहीं होगा, लेकिन लाइव देखने में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर पहलगाम एक बार आए और यहाँ से देखें कि क्या सीनरी है भाई। मतलब पेड़ों के नीचे से ये ग्रीन टनल सी हो गई है, लेकिन बहुत छोटा सा है ये, और यहाँ से ब्लैक आइस भी बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ से मेरे को लगता है कि बर्फ अभी हटाई नहीं गई है, इसलिए थोड़ा सा आराम से ही चलना पड़ेगा हमें। तो भाई हम पहुँच गए हैं लंगनबल क्रॉसिंग के पास, तो मतलब यहाँ से ही दिख रहा है कि उस वाले रोड पे बहुत ज़्यादा भाई कोहरा लगा हुआ है, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करने वाली है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे आर्मी वाले क्या बोलते हैं, मतलब ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें छोड़ दिया जाए वहाँ से, हम थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या नज़ारा है। तो देखते हैं, क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपको आगे दिखाएंगे कि सड़क का कैसा हाल है। भाई हमने आर्मी वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें छोड़ दो, हमें देखना है यहाँ से कि कैसा नज़ारा है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और सड़क पे थोड़ा थोड़ा मतलब हटाया तो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, बर्फ़ थोड़ी दबी हुई है इसलिए ये ज़्यादा हटाई नहीं गई है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, पेड़ों पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अभी हम कोशिश करेंगे कि पहले तो हम पहलगाम मार्केट में पहुँचे, फिर पहलगाम मार्केट से देखेंगे कि हम आरू वैली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे वहाँ से क्या नज़ारा होगा। और बर्फ़ भाई बहुत ज़्यादा है, सड़क पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अगर आप यहाँ से आओगे भाई, अगर आप यहाँ से आओगे तो आराम से चलना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। भाई हम पहुँच गए हैं टोल के पास, यहाँ पर आर्मी गुडल पब्लिक स्कूल भी है जहाँ पे मैं पढ़ता था यार, बचपन की याद आ गई। मतलब बहुत ही अच्छा स्कूल था, मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं उस स्कूल में पढ़ने गया। अभी हम पहुँचे यहाँ से, थोड़ा मतलब ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे घोड़े वगैरह लेके यहाँ से ऊपर जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ से छोड़ा तो हम और आगे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ है भाई, ये रहा टोल और हम यहाँ पर टोल देंगे मात्र 40 रुपये। 40 रुपये में इतना अच्छा नज़ारा मिल रहा है, तो भाई क्यों नहीं आते आप लोग पहलगाम। तो भाई यहाँ से आधी गाड़ियों ने तो टर्न वापस ले लिया भाई, ये देखो मतलब रोड पे कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है भाई, देखो भाई। और ये मंजर क्या है भाई, क्या सीनरी है, रोड बहुत ही ज़्यादा खराब है भाई। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, Thank you.
फाइनली हम पहलगाम पहुंच गए अजहर और मैं। तो भाई देखो यार कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो भाई, मतलब बर्फ मेरे हाइट की है लगभग, मुझसे थोड़ा कम ही है लगभग। यार तो 4 फुट 2 इंच का है। लगभग 4 फुट बर्फ़ पड़ी है यहाँ से। तो भाई पेड़ देखो कितनी खूबसूरत है, और ये देखो भाई, ये देखो मतलब सड़क पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ओहो ये देखो भाई, ओहो एक सेकंड मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पहलगाम का। ओ भाई यहाँ से हो गया सीन भाई, यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही हैं भाई। ओ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, अभी मार्केट आ गई है यार, हमने सोचा था मार्केट तक ही जाएंगे, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। भाई बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ से आगे कुछ लोग जा नहीं पा रहे हैं शायद, मुझे लगता है अब यहाँ से आगे हम जा नहीं पाएंगे। हम थोड़ा वेट करेंगे, लगभग 10-15 मिनट वेट करेंगे, देखते हैं। वो स्नो हटाने वाली गाड़ी तो आ गई है, अभी हम वेट करेंगे कि अगर रास्ता खुल गया और गाड़ियाँ चलने लगी तो हम भी जाएंगे और आड़ू वैली तक भी जाने की कोशिश करेंगे भाई। लेकिन तब तक तो यहीं पे वेट करना पड़ेगा, और भाई तब तक मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से कैसा नज़ारा है। भाई गाड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाएंगे। अगर चढ़ी गाड़ी तो जाएंगे, नहीं चढ़ी तो फिर वापस ही आ जाएंगे भाई। तो भाई देखो भाई इनकी ऑल्टो भी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है। धीरे धीरे आराम से चलेंगे तो पहुँच भी जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमें हो गए 10-15 मिनट वेट करते हुए, लेकिन भाई गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही, यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है भाई। आधों से ज़्यादा गाड़ी वालों ने तो यहाँ पे ही टर्न कर लिया वापस और वापस जा रहे हैं, और ये स्कॉर्पियो वाले भैया भी टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं भाई। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ब्रो, हमने कोशिश की थी भाई गाड़ी टर्न करने की इनकी, लेकिन नहीं हो रही। आप ये वापस रखेंगे साइड में गाड़ी भाई। ये देखो भाई 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 पूरा बुरा हाल हो गया यहाँ पर, तो आदमी भी खिसर रहे हैं, गाड़ियों की जाने की कोई बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखिए आधी गाड़ी में चेन लगे हुए हैं, इसमें चेन भी लगी हुई है भाई लेकिन नहीं चट रही। और उससे आगे तो देखो भाई, मतलब यहाँ से तो नामुमकिन है भाई आगे जाना। अभी हम भी कोशिश करते हैं गाड़ी वापस टर्न करने की भाई, देखते हैं। ये बंद है, हमें वापस ही जाना पड़ेगा भाई। चल भाई अजहर गाड़ी मोड़ ले वापस भाई, ठीक है। तो भाई अजहर हवा निकाल रहा है, तभी हमारी गाड़ी निकलेगी भाई। पीछे से भी भीड़ होने लगी है। चलिए शीजान भाई गाड़ी वापस मोड़, मैं वहां से धक्का देता हूँ तू स्टार्ट कर ले। ओके ब्रदर, गाड़ी तो टर्न हो गई आराम से भाई, अभी हम वापस ही निकलेंगे भाई। सेक्सी सेक्सी, मतलब हमने बहुत अच्छा किया कि हम स्विफ्ट लेके आए, अगर ब्लैरो लेके आए होते तो बड़ा ही मुश्किल होता, हम नहीं जा पाते। सर भाई देख सकते हैं यहाँ पर शीजान इनकी हेल्प कर रहा है गाड़ी निकालने में, यहाँ पर वेट डालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब सभी गाड़ी वापस मोड़, आप देख सकते हैं पूरी स्लिप मार रही है गाड़ी। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। रेस ज्यादा मत करो, गाड़ी निकल गई है, अभी हम भी आगे निकलेंगे। भाई यहाँ से हम निकलेंगे आराम से चलेंगे। चल भाई अजहर, लगता है फिर से बर्फबारी होगी यहाँ पर, फिर से बादल आ गए, आप देख सकते हैं उधर। ठंड से मैं पूरा मतलब कांप रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा ठंड है भाई। ओ भाई अजहर,
शीशा ऊपर कर ले भाई, बहुत ज्यादा ठंड है भाई यहाँ पर, लगता है फिर से बर्फ होगी। बर्फ तो होने वाली है भाई, यहीं पे फंस जाएंगे जो जो यहाँ पे रुकेगा ना भाई, वो सब यहीं पे फंसेंगे। इसलिए हमने मतलब समझदारी का काम किया है भाई, हम समझदार है यार, हमने गाड़ी वापस मोड़ ली, हम वापस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी इससे पहले तो अनसक्सेसफुल व्लॉग टू पहलगाम था, अभी सक्सेसफुल व्लॉग टू पहलगाम, लेकिन मार्केट नहीं जा पाए। अगली बार ही मार्केट में भी जाएंगे यार, आपको मार्केट भी दिखाएंगे भाई। हम रुक गए यहाँ पे भाई, बहुत मजा है। मैं आप लोगों को करता हूँ फिर से सजेस्ट कि आप लोग पहलगाम जरूर आओ भाई। तो भाई ये रहा आई लव पहलगाम, जहाँ पे अक्सर आप देखोगे कि पहलगाम जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे फोटो वीडियो जरूर लेके जाते हैं भाई। आई लव पहलगाम, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। सर पोज देते हुए यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह फोटो उठाते हैं। और ये रही वो स्कॉर्पियो जो हमने निकलवाई थी, चल भाई निकलते हैं भाई, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ निकले, हाँ चल भाई निकल, हाँ चलते बहुत ज्यादा, ठंड बहुत ज्यादा है भाई। फिर से बादल छा गई, लगता है और स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल होगी भाई बहुत ज्यादा होगी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, हाथ तो देख यार भाई। अजहर जा रहा है बर्फ में, देखते हैं अजहर कितनी अंदर तक जा पाता है। ओ भाई ये, ओ भाई यार भाई अब हम चले हैं घर की ओर भाई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, मन नहीं कर रहा वहां पे जाने का, लेकिन भाई जाना तो पड़ेगा भाई। और गाड़ी स्लिप कर रही है, इसको भी हम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, अब तो कोई टेंशन है नहीं भाई, अब जितनी भी स्लिप करे गाड़ी करने दो भाई, हम तो पहलगाम घूम के आ गए, मतलब घूम के भी क्या आ गए, पहलगाम तक पहुंच के वापस आना पड़ा अभी हम। ओ भाई गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, और भाई मजा एक नंबर मजा आ रहा है भाई, बहुत सेक्सी। तो भाई अब हमने डिसाइड किया कि हम अनंतनाग वाले रोड से जाएंगे, क्योंकि वहां से तो गए हम, अभी यहाँ से भी देखते हैं कि क्या नजारे होंगे। तो भाई हम पहुंच गए भाटकोट, यहाँ पे भी अभी रोड पे ब्लैक आइस जमी हुई है, और ये यहाँ की फेमस पार्क है आबशार पार्क, क्या इसे आइलैंड पार्क भी कहा जाता है। तो भाई यहाँ से देखो क्या नजारा है भाई, भाई मतलब पहलगाम बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत प्यारी जगह है, आना चाहिए आप लोगों को, जो मतलब कश्मीर के हैं उनको भी आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो तो आएंगे ही, लेकिन जो कश्मीर से बाहर है उनको भी आना चाहिए एक बारी कश्मीर, और नज़ारा देखना चाहिए भाई। मैं कह रहा था कि हम अनंतनाग वाले रोड से जाएंगे, क्योंकि भाई ये जो नज़ारा है ना भाई एक नंबर भाई, बहुत मज़ा आता है यहाँ से, सेक्सी नज़ारा भाई देखो यार, मतलब हमारा तो पहलगाम का रोज ही आना जाना रहता है यार, लेकिन हमने पहली बार आज कवर किया, बहुत ही खुशी हुई यार। तो भाई हम पहुंच गए अशोकाम, ये रिलीजियस प्लेस है भाई, बजरंगी भाईजान मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पे हुई थी अशोकाम में, जियारत पे भाई, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब आपको खाने पीने का मिल जाएगा, और मतलब बहुत ही अच्छी जगह है अशोकाम भी, बहुत ही अच्छी जगह है, प्यारी जगह है भाई। इधर से अशमुकाम का रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, और ये रहा अशमुकाम का मार्केट भाई। तो भाई मेरे मन में बहुत पहले से ये बात थी कि मैं आपको बोलूं भाई, मैं पहलगाम बहुत बार आ चुका हूं अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही मतलब अमेजिंग ट्रिप रही है वो, लेकिन मैं किन्हीं वजहों की वजह से वो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाया, उनकी व्लॉगिंग नहीं कर पाया, लेकिन कुछ शॉट्स हैं मेरे ये यूट्यूब के चैनल में, आप देखना ज़रूर, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो भाई हम पहुंच गए हैं अक्कड़ से थोड़ी ही दूरी पे, लेकिन हम अंदर वाली साइड से जाएंगे, अंदर वाले रोड से जाएंगे भाई, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं बर्फ़। तो भाई बर्फ़ भी पड़ रही है,
फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने कल भी देखा था, इससे पहले वाले व्लॉग में भी देखा था आपने कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमें बर्फ़ की वजह से। अभी हम इसलिए अंदर वाले रास्ते से जाएंगे। तो भाई अभी हम अंदर वाले रोड से आए हैं और हम इस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। भाई ये ब्रिज लगभग इसी साल ना, तो इसी साल ये ब्रिज टूट गया था भाई। अभी ये नया ब्रिज बनाया है भाई। आसानी होती है यहाँ से जाने से, मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट बिजबिहारा के नज़दीक पहुँच जाएंगे, बहुत ही कम टाइम लगेगा। वहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर फिर बिजबिहारा आता है, वरना हमें यहाँ से अनंतनाग से होके बिजबिहारा जाना था। मतलब लगभग इस रोड की वजह से 5-10 किलोमीटर की कमी हो गई हमें, मतलब 5-10 किलोमीटर बच गए, है ना। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं वापस घर, बस अब घर तक 5 मिनट लगेंगे। तो भाई बहुत मज़ा आया, ठंड भी बहुत थी। अब हमें ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अज़र को बाय बोल दीजिए। अब अज़र अपने घर चले जाएगा और मैं भी अपने घर जाऊंगा। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।